गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम कॉस्ट अकाउंट्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रमाप, लागत, इसके संबंध में आपसे बात करेंगे। आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है उसको हम एडॉप्ट करते हैं, प्रमाप लागतों को लेकर के चलते हैं। मैनेजमेंट प्रत्येक व्यवसाय का जो प्रबंधन होता है, वह प्रबंधन यह चाहता है कि वह जिस प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को कम से कम उसके स्टैंडर्ड, उसकी जो मानक है वो निर्धारित करें। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं और उसमें स्टैंडर्ड क्रिएशन की बात करते हैं, मानकों के निर्धारण की बात करते हैं, तो वस्तु की जो लागत है उस लागत को जो हम कैलकुलेट करते हैं, उन ओवरहेड्स को जो हम बांटते हैं, तो हम उसको तीन कैटेगरीज में अलग अलग बांट करके चलते हैं। एक फर्स्ट मटेरियल, सेकंड लेबर, थर्ड ओवरहेड्स, थर्ड ओवरहेड्स। जब भी हम इसका एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट का जो एनालिसिस करेंगे, तो कॉस्ट के एनालिसिस में मटेरियल की बात आएगी, लेबर की बात आएगी और ओवरहेड्स की बात आएगी। और प्रत्येक संस्थान सबसे पहले वस्तु को बनाने से पहले इनके संबंध में अपने स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करता है, डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मटेरियल कितना लगेगा उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को तैयार करने में, उस प्रोडक्ट को तैयार करने में लेबर कितनी लगेगी, उस प्रोडक्ट को तैयार करने में ओवरहेड्स कितने होंगे। ये जब हम स्टैंडर्ड तय करेंगे तो उस स्टैंडर्ड में ये तय किया जाएगा, जबकि उस संस्थान के द्वारा एक्चुअल में जब वर्क किया जाता है, जब वास्तव में उसके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, तो एक्चुअल में वर्क करने पर जो उसने स्टैंडर्ड निर्धारित किए थे, उन स्टैंडर्ड के अनुरूप भी काम हो सकता है और उनमें कहीं ना कहीं किसी तरह का वेरिएंस भी क्रिएट हो सकता है, वेरिएंस भी क्रिएट हो सकता है, उनमें अंतर भी आ सकता है, वेरिएंस। और ये जो अंतर होता है, जिनको कि हम वेरिएंस के नाम से जान रहे हैं, ये वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। जब हम
इसको एनालाइज करेंगे, जब हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एक्चुअल डाटा और स्टैंडर्ड को लेकर के, तो हमारे को ये पता लगेगा कि जो हमने प्रोडक्शन किया है उसमें जो हमारी कॉस्ट, जो हमने उसके स्टैंडर्ड तय करे थे उससे कॉस्ट कम आ रही है या उससे ज्यादा आ रही है। यदि कम आ रही है तो फेवरेबल है, और यदि ज्यादा आ रही है तो अनफेवरेबल है। अब मैनेजमेंट या प्रबंधक या मैनेजर ये जानना चाहेगा कि जो वेरिएंस क्रिएट हुआ है, ये जो अंतर आया है, ये अंतर किस कारण से आया है, ये जो वेरिएंस है वो ये वेरिएंस किस कारण से आया है। तो ये वेरिएंस जानने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम मेटीरियल वेरिएंसेस को कैलकुलेट करेंगे, हम लेबर वेरिएंसेस को कैलकुलेट करेंगे, और उसके साथ साथ ओवरहेड्स वेरिएंसेस को हम कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमारे को पता लग जाए कि अंतर का कारण क्या है, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो। अनफेवरेबल है तो फिर और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम यह पता करें कि किस कारण से ये जो अंतर आ रहा है ये अंतर क्रिएट हुआ है। और ये जो वेरिएंसेज एनालिसिस है स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल, इसी को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। यही हमारे को, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है क्या है, प्रमाप लागत या मानक लागतों के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटीरियल वेरिएंसेस की। मेटीरियल वेरिएंसेस, इसमें सबसे पहला जो वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट जो सबसे पहला वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है वो होता है मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। और मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, और ये आती है आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल प्राइस। इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फिर हमारे को निकालना होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी थर्ड मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ये होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस,
इसको हम स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, मेटेरियल यूजेस वेरिएंस जिसको कि क्वांटिटी वेरिएंस के नाम से भी हम जानते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक इसका टेस्ट भी होता है कि हमने ये सब सही किया है नहीं किया। तो एमसीवी यानी कि मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होता है एमपीवी प्लस एमयूवी, ये इन दोनों के टोटल के इक्वलेंट होता है, इसके बराबर होता है। और ये हमारे को पता लग जाता है कि जो हमारी जो कैलकुलेशन है, जो हमने कैलकुलेट किया है वो सही भी किया है अथवा नहीं, अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। तो जब हम मेटीरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं तो इसमें मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, मेटीरियल प्राइस वेरिएंस, मेटीरियल यूजेज वेरिएंस, इसके अलावा भी मेटीरियल के दो वेरिएंस और होते हैं। क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्शन को तैयार करते हैं, प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने में हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ रॉ मेटीरियल यूज करना पड़ सकता है, अलग अलग तरह का। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वी मिक्स द रॉ मेटीरियल देन वी मेक द प्रोडक्ट, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। जब किसी वस्तु को बनाने के लिए एक से अधिक प्रकार के रॉ मेटीरियल की आवश्यकता होती है तो वहां पर हमारे को आवश्यकता पड़ती है कि हम मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करें, मेटीरियल मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट करें। इसको हम समझाएंगे जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, तब हम इसको बताएंगे किस तरह से मिक्स वेरिएंस जो है कैलकुलेट किया जाता है। और जब मिक्स वेरिएंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो एक और वेरिएंस हमारे को कैलकुलेट करना होता है मेटीरियल का ही, उसको हम मेटीरियल यील्ड वेरिएंस के नाम से जानते हैं, मेटीरियल यील्ड वेरिएंस के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों जो वेरिएंसेज हैं, तीन तो मैंने यहां लिखे, दो और आपको बताए, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, इन दोनों वेरिएंसेज का यूज तभी होगा जब किसी वस्तु को बनाने में एक से अधिक प्रकार के रॉ मेटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम जब क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब हम आपको बताएंगे किस तरह से मिक्स वेरिएंस निकालेंगे और किस तरह से यील्ड वेरिएंस को निकाला जाएगा। फिलहाल हम आपको एक क्वेश्चन जो है वो समझाते हैं जिनमें इन तीनों वेरिएंसेज के बारे में कैलकुलेशन की जाएगी। और ये मैंने बताया कि ये इसका टेस्ट है कि हमने उसको सही तरह से कैलकुलेट भी किया या नहीं किया। हम एक क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स की वन यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मेटीरियल रिक्वायर्स 2 kg, 2 kg रॉ मेटीरियल की आवश्यकता पड़ती है एट द रेट ऑफ ₹10 per kg, यानी उसका जो रेट है, जो स्टैंडर्ड रेट है वो कितना है, ₹10 per kg। आगे कहा गया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 800 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स वर प्रोड्यूस। ये हमारे को क्या दिया हुआ है, एक्चुअल, ये एक्चुअल दे दिया, कितनी बनी 800 यूनिट्स। और जो एक्चुअल प्राइस पेड एट द रेट ऑफ ₹9 per kg, एक उसके लिए जो हमने पेमेंट किया है वो कितना किया है, 9 per
केजी एंड टोटल कॉस्ट इज रुपीज, टोटल कॉस्ट रुपीज 15,300 ये गिवन है। टोटल जो कॉस्ट दी हुई है वो 15,300 जो है हमारे को दी हुई है। तो फिर समझ लेते हैं, प्रोडक्ट एक्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है जो स्टैंडर्ड है वो 2 kg है। रेट जो है उसका 10 रुपए प्रति किलोग्राम है। जनवरी माह में हमने जो प्रोड्यूस किया, एक्चुअल जो प्रोड्यूस किया दैट इज 800 यूनिट्स, वो 800 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया। एक्चुअल प्राइस पेड, जो हमने एक्चुअल प्राइस पेड किया है वो 9 रुपीज पर केजी है और जो कॉस्ट है वो 15,300 रुपए है। तो ये जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके बेसिस पर हमारे को वेरिएंसेज को जो है कैलकुलेट करना है। तो देखें किस तरह से इनके वेरिएंसेज को जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम यहां पर एक टेबल जो है वो बना लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, फिर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, ये एनालिसिस टेबल हम बनाएंगे पहले। इसमें भी आप अच्छी तरह से ध्यान रख लें कि सबसे पहले हम एक्चुअल के डेटा को लेकर के चलेंगे। किस डेटा को लेकर के चलेंगे? एक्चुअल के डेटा को लेकर के चलेंगे। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई है वो हमारे को गिवन थी 15,300, 15,300। प्राइस कितना था? 9 रुपए प्राइस था। अब जो क्वांटिटी यूज हुई होगी वो हम देख लेते हैं। 15,300 हमने पेमेंट की है और रेट जो किया है हमने 9 रुपए के हिसाब से, तो इसका मतलब वी यूज 1,700 यूनिट्स। हाउ मेनी यूनिट्स वी यूज? 1,700। कैसे पता लगा? 15,300 ये हमारे को कॉस्ट दी हुई है। अब 1,700 इंटू 9 तो ये कितना आ जाएगा? 15,300। अब आप यहां देखें, इससे जो ये तो इनपुट हो गई, इनपुट से जो आउटपुट आपकी तैयार हुई है वो कितनी हुई है? 800 यूनिट्स। यहां पर भी हमारे को कितना लेकर के चलना है? 800 यूनिट्स। क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए जो आउटपुट यूनिट है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर आउटपुट यूनिट में डिफरेंस आ गया तो वैसे ही आपका वेरिएंस क्रिएट दिखाएगा। अब हमारे को तो ये देखना है कि यहां जब हमने एक्चुअल में 800 यूनिट बनाई है और स्टैंडर्ड भी 800 यूनिट बनाते तब क्या डिफरेंस क्रिएट होता, यही तो वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो आपके आउटपुट है वो आउटपुट एक्चुअल की आउटपुट के बराबर स्टैंडर्ड की आउटपुट भी होनी चाहिए। और इसीलिए हमने पहले कहा कि फर्स्ट यू राइट डाउन द एक्चुअल डाटा, आप एक्चुअल डाटा लिख लीजिए। हमारे को रेट दिया था 9 रुपए, मैंने 9 रुपए लिख दिया। 15,300 टोटल कॉस्ट दी हुई थी, 15,300 टोटल कॉस्ट दे दी। 9 रुपीज के हिसाब से हाउ मेनी क्वांटिटी यूज डिवाइड करके निकाल दिया, 1,700 आ गई। और क्वेश्चन में कहा गया था वी प्रिपेयर 800 यूनिट्स हमने बनाई है, तो इससे 1,700 से 800 यूनिट्स बनी। 1,700 इंटू 9 15,300 आ गई। अब यही 800 यूनिट्स हमारे को स्टैंडर्ड में भी बनानी है और स्टैंडर्ड में आपको कहा था कि एक यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में गिवन है कितना चाहिए? एक वस्तु को बनाने के लिए
दो यूनिट रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, तो हमें कितनी बनानी है? 800 बनानी है। 800 बनानी है तो 800 इंटू टू हमारे को रॉ मटेरियल चाहिए होगा 1600 यूनिट, 1600 यूनिट। ये 1600 यूनिट जो है हमारे को यहां पर रिक्वायर्ड होगा। रेट, रेट आपको जो स्टैंडर्ड का दिया हुआ था वो रेट था 10 रुपीज पर केजी, 10 रुपए था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000 और यहां ये टोटल आ जाएगा 16,000, 16,000। तो ये आपकी एनालिसिस टेबल तैयार हो गई है, और जब ये एनालिसिस टेबल तैयार हो जाएगी तो इसको हम फार्मूले में फीड कर देंगे, फार्मूले में लगा देंगे, तो आप देखेंगे कि ये हमारा कितना इजी हो जाएगा और एकदम से हमारे को एनालिसिस करके ये पता लग जाएगा कि हमारा जो है वेरिएंस क्या है। सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है SMC माइनस AMC, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है 16,000 माइनस ये है 15,300, तो इज इक्वल टू ये आ गया 700, प्लस में आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे फेवरेबल, फेवरेबल ये आ गया आपका फेवरेबल 700। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस है 10 रुपए माइनस एक्चुअल प्राइस है 9 रुपए और एक्चुअल क्वांटिटी है 1700, तो इसको कैलकुलेट 10 माइनस 9 1 इंटू 1700, तो ये आ गया 1700 फेवरेबल, फेवरेबल आ गया, प्लस में आ गया तो फेवरेबल। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी है इसमें 1600, इसमें लगी है 1700 और प्राइस है स्टैंडर्ड का 10, तो 16 माइनस 17 100 यूनिट्स बच गया, इंटू 10 1000 आ गया, 1000 एडवर्स, ये माइनस में आ रहा है तो इसीलिए ये एडवर्स कहलाएगा, ये एडवर्स कहलाएगा। तो इस तरह से ये आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस को कैलकुलेट किया। यदि आप इसको टेस्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमने सही किया या नहीं किया, इसको टेस्ट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 700 फेवरेबल इज इक्वल टू एमपीवी, एमपीवी है 1700 फेवरेबल प्लस एमयूवी है 1000 एडवर्स, तो 700 फेवरेबल इज इक्वल टू 1700 फेवरेबल के हैं, 1000 एडवर्स के हैं, तो कितने बच जाएंगे? 700 फेवरेबल, तो 700 इज इक्वल टू 700 फेवरेबल। तो इसका मतलब आपने जो कैलकुलेट किया है, ये जो निकाला है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आज हमने बात की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, आज शुरुआत की है। कल हम एक दो और क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे जो मेटीरियल वेरियंसेस से ही रिलेटेड होंगे, उनको आपको एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही साथ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से मिक्स वेरिएंस और इल्ड वेरिएंस को कैलकुलेट किया जाता है। तब तक आप इन क्वेश्चंस को, इस चैप्टर को देखिएगा, पढ़िएगा, वीडियो को देखिए, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ कल।